हेलो फर्टीटू, कायनात की बेहतरीन कृति माँ और उसी माँ और उसके सबसे बेशकीमती उपहार को स्वस्थ बनाने के लिए आज वीडियो के दूसरे भाग में आप जानेंगे कि माँ के लिए कौन कौन से टेस्ट जरूरी हैं, कैसे रखें आप प्रेगनेंसी में डाइट का ख्याल, क्या माँ के लिए योग और व्यायाम भी जरूरी है, प्रीनेटल वर्कशॉप क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या है मिसकैरेज की वजहें, और इसके साथ और भी बहुत कुछ। और वीडियो के पहले भाग में आपने जाना कि कैसे करें प्रेगनेंसी से पहले तैयारी, क्या होती है प्रीकंसेप्शनल काउंसलिंग, बच्चे की सेहत के लिए सबसे जरूरी क्या है और क्या हो सकती हैं प्रेगनेंसी में दिक्कतें। और अगर आपने पहला भाग ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। और आइए आज बात शुरू करते हैं माँ के लिए कौन कौन से टेस्ट जरूरी हैं। अगर आपने पहले गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं कर रखा है तो प्रेगनेंसी का पता चलते ही किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना चाहिए। और प्रेगनेंसी के लक्षणों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। माँ बनने वाली महिला की सेहत के मुताबिक डॉक्टर कई सारे टेस्ट कराते हैं, फिर भी हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, ब्लड शुगर, यूरिन और HIV टेस्ट जरूर कराना चाहिए और ये हर 3 महीने पर कराए जाते हैं। कोई परेशानी नहीं हो तो अल्ट्रासाउंड आमतौर पर 3 बार कराया जाता है, 2वें महीने में बच्चे की धड़कन जानने के लिए, 4वें महीने में बच्चे का विकास देखने के लिए और आखिरी महीने में बच्चे की स्थिति देखकर डिलीवरी प्लान करने के लिए। अगर डॉक्टर को जरूरी लगता है तो वह बीच में अल्ट्रासाउंड भी करा सकता है। मिर्गी, हाइपोथायराइड और थैलेसीमिया के लिए भी जांच कराई जाती है। अगर पेरेंट्स में थैलेसीमिया के लक्षण होते हैं तो बच्चे के इससे पीड़ित होने की आशंका 25% तक बढ़ जाती है और अगर जांच में बच्चा इन्फेक्टेड पाया गया तो उसे अबॉर्ट करना ही बेहतर होता है। 4वें और 5वें या 5वें और 6वें महीने माँ को टिटनेस का टीका लगाया जाता है। शुरू के 3 महीने में मंथली चेकअप काफी होता है, कोई परेशानी न होने पर 15 दिन में भी जांच कराई जा सकती है। बच्चे के 28 हफ्ते का होने पर 2 हफ्ते में एक बार चेकअप जरूरी होता है। सोनोग्राफी खुद ना कराएं, जब डॉक्टर बताएं तभी आपको सोनोग्राफी कराना चाहिए। हालांकि इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता लेकिन इस दौरान एक्सरे से जरूर बचना चाहिए क्योंकि ये किरणें बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और आइए अब हम बताते हैं आपको कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसे रखें डाइट का ख्याल। दरअसल माँ और बच्चे दोनों की सेहत काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि माँ कौन सा भोज्य पदार्थ ले रही है। ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर चीजें खाना चाहिए, जैसे कि दालें, पनीर, अंडा, नॉनवेज, सोयाबीन, दूध, पनीर, दही, पालक, गुड़, अनार, चना, पोहा, मुरमुरा इत्यादि, और फल और हरी पत्तेदार सब्जियां भी आपको खूब खाना चाहिए। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिलीवरी के वक्त काफी खून की जरूरत पड़ती है और बच्चा भी फ्लूइड में रहता है, इसलिए नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, जूस खूब पीना चाहिए। बच्चे के दिमागी विकास के लिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बहुत जरूरी है। फिश लिवर ऑयल, ड्राई फ्रूट, हरी पत्तेदार सब्जियों और सरसों के तेल में ओमेगा 3 और 6 अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। बच्चे को वही मिलता है जो माँ खाती है, इसलिए देर तक भूखी ना रहे। खाने में ज्यादा अंतर से एसिडिटी हो जाती है, बेबी का साइज बढ़ने के साथ स्टमक की भी कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए आपको थोड़ा लेकिन बार बार खाना चाहिए। दिन में 5 बार खाएं, 3 बार फ्रूट्स और 2 बार दूध जरूर पिए। और थोड़ा आप बार बार कैसे खा सकते हैं, इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी खास चीज को खाने का दिल ज्यादा करने लगता है, ऐसे में किसी एक ही चीज को खाने के बजाय बाकी चीजों को भी खाने में शामिल करें और वैरायटी का ध्यान रखें। और एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि तला और मसालेदार न खाएं, इनसे गैस, एसिडिटी और जलन हो सकती है। जब भी खाएं फ्रेश खाएं, बाहर के खाने से इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। मदर हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा भी आप ले सकती हैं। और आइए अब बात करते हैं
कि क्या माँ के लिए योग और व्यायाम भी आवश्यक है। तो योग और व्यायाम को हम दो अलग अलग चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले गर्भधारण करने से पहले योग के बारे में, अगर आप बच्चा प्लान करने के साथ ही योग और प्राणायाम शुरू कर दें तो ये माँ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। गर्भधारण करने से 3-4 महीने पहले ही कपालभाति क्रिया, अग्निसार, ऊर्ध्वहस्तोत्तान आसन, उत्तान पदानासन, सेतुबंधासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, नौकासन, मंडूकासन और अनुलोम विलोम व भ्रातिष्ठा प्राणायाम शुरू कर दें। इससे गर्भधारण करने में आसानी होगी और शरीर के अंदरूनी हिस्सों को भी ताकत मिलेगी, साथ ही हार्मोन्स भी बैलेंस में आएंगे। और रोजाना आपको आधे घंटे गर्भधारण करने से पहले योग का अभ्यास करना चाहिए। और अब आइए बात करते हैं दूसरे चरण में, और दूसरे चरण को हमने 3 ट्राइमेस्टर के हिसाब से अलग अलग बांट रखा है, क्योंकि तीनों ट्राइमेस्टर में योग के अलग अलग आसनों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बात, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीनों में आपको कौन सा योग करना चाहिए। दरअसल गर्भधारण करने के बाद भी पहले बताए गए आसनों को आप करते रहें, साथ में हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं, तड़ासन, तितली आसन और डीप ब्रीदिंग जैसे आसनों का भी अभ्यास करें। ऐसा कोई अभ्यास न करें जो पेट पर दबाव डालता हो। और अब बात 3rd से 6th महीने तक की। 3 महीने के बाद आप आसनों की स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकती हैं। इन 3 महीनों में कटचक्रासन, पदोत्तासन, सेतुबंधासन, वज्रासन और पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं भी कर सकते हैं। साथ ही लेट कर तितलिंग और साइकिलिंग के साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम भी आप कर सकती हैं। रोजाना आधा घंटा वॉक करें। गर्भावस्था का वक्त बढ़ने के साथ साथ स्पीड आपको कम करनी चाहिए। अच्छे जूते पहनकर ही वॉक करें, वरना गिरने का खतरा रहेगा। आप स्विमिंग भी कर सकती हैं। और आइए अब बात करते हैं आखिरी के 3 महीनों में आपको कौन से व्यायाम करने चाहिए। आखिरी के 3 महीनों में आपको डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम जैसी क्रियाएं ही करनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो अभ्यास उसके मुताबिक बदलाव करके करना चाहिए। वॉकिंग जारी रखें, घर के काम भी करते रहें। लगातार सक्रिय रहने से नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन अगर पहले अबॉर्शन हो चुका है तो आराम करना ही बेहतर है। और योग के इन आसनों को करने से पहले आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हमने जो आसन आपको बताए हैं ये अभ्यास क्रम सामान्य जानकारी के लिए हैं, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज, बीपी, कमर दर्द, मोटापा जैसी दिक्कत है तो उसी के मुताबिक अभ्यास में बदलाव किया जाना चाहिए। जिस महिला का पहले अबॉर्शन हो चुका है या जुड़वा बच्चे हैं उन्हें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और आइए अब बात करते हैं प्रीनेटल वर्कशॉप के बारे में। आजकल प्रीनेटल वर्कशॉप और प्रोग्राम काफी चलन में है। इसमें आने वाले बच्चे के लिए पेरेंट्स को मानसिक और शारीरिक के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी तैयार किया जाता है। खासतौर पर मेट्रो में रहने वाली सिंगल परिवारों के लिए ये क्लासें काफी मददगार होती हैं। उन्हें डिलीवरी का वीडियो दिखाया जाता है, बेबी के सामान और उसका ख्याल रखने के बारे में बताया जाता है। प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी आप ये वर्कशॉप अटेंड कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त आप म्यूजिक और मंत्र का भी सहारा ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आप गायत्री मंत्र का जाप, भगवद गीता, रामचरितमानस, कुरान की आयतें, गुरबानी, बाइबल पढ़ना या सुनना आदि अच्छा होता है। वैसे मार्केट में तमाम सीडी हैं जो प्रेगनेंसी को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं, जैसे कि गर्भ संस्कार, मेडिटेशन इन प्रेगनेंसी, रिलैक्सिंग सीडी इत्यादि। और आइए अब बात करते हैं कि कौन सी किताबों का आप सहारा ले सकती हैं प्रेगनेंसी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए। तो प्रेगनेंसी के बारे में अगर आप कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आप व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग, जॉय ऑफ पेरेंटिंग, योर प्रेगनेंसी वीक बाय वीक, प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ एंड द न्यूबॉर्न, द प्रेगनेंसी बुक, द प्रेगनेंसी जैसी कई किताबें मार्केट में हैं जो आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी सारी जानकारी बेहतरीन तरीके से मुहैया कराती हैं। इनमें से कुछ किताबें हिंदी में भी आ चुकी हैं। वैसे व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग को प्रेगनेंसी के विषय पर सबसे बेहतरीन किताबों में से माना जाता है। इसके अतिरिक्त माँ को अपनी सोच पॉजिटिव रखना चाहिए, घर में खुशनुमा वातावरण बनाए रखें, जितना हो सके पॉजिटिव रहें, बच्चे के लिए उतना ही अच्छा होगा। बच्चा माँ के गर्भ से ही चीजों को जानने और समझने लगता है, उसी वक्त से उसमें संस्कार भी पड़ने लगते हैं। मन में यह संशय बिल्कुल न डालें कि बेटा होगा या बेटी,
इससे बच्चे की शक्ति कम हो सकती है। माँ को इमोशंस पर कंट्रोल के साथ साथ मेंटली भी रिलैक्स रहना चाहिए। बच्चे को विजुअलाइज करें ताकि आप अपना बच्चा कैसा चाहते हैं वह महसूस कर सके। बच्चे से बात करें, यह कम्युनिकेशन आपके और बच्चे के बीच बंधन का काम करता है। ये प्रोग्राम हमारी माइथोलॉजी पर आधारित है और साइंटिफिकली अभी तक इसकी सत्यता साबित नहीं हुई है। और आइए अब बात करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो गर्भावस्था के दौरान माँ को भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, ज्यादा डांस नहीं करना चाहिए, सीढ़ियां नहीं फाड़ना चाहिए, हील भी नहीं पहनना चाहिए, ड्राइविंग ज्यादा न करें, लंबी यात्रा पर न जाए, रस्सी न कूदें, कमर से झुकने के बजाय घुटने मोड़कर बैठे और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से भी बचना चाहिए। एल्कोहल से बच्चे के लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। वक्त से पहले डिलीवरी भी हो सकती है, बच्चे का साइज भी छोटा हो सकता है और बच्चे की सही ग्रोथ भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। और स्मोकिंग से प्लेसेंटा सिकुड़ जाता है जिससे बच्चे को पूरा खाना और हवा नहीं मिल पाती। और आइए अब बात करते हैं कि क्या होती है मिसकैरेज की वजह। आमतौर पर मिसकैरेज की कई मेडिकल वजहें होती हैं, मसलन जेनेटिक वजहें, प्लेसेंटा की स्थिति, वेजाइना में लगातार इन्फेक्शन, डायबिटीज की वजह से होने वाला इन्फेक्शन, गलत मेडिसिन खाना इत्यादि। पहले ट्राइमेस्टर में होने वाले 90% मिसकैरेज जेनेटिक वजहों से होते हैं। इसके अतिरिक्त ज्यादा उछल कूद, डांस, दूसरे बच्चे का बहुत जल्दी आना भी मिसकैरेज की वजह बन सकता है। एक बार मिसकैरेज होने पर 3 महीने के बाद ही आपको गर्भधारण करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस यही तक, और हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको लाभप्रद साबित होगी। और इस विषय पर आपका कोई कमेंट है या आप कुछ हमसे कहना चाहते हैं या आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का विशेषज्ञों के माध्यम से उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो का अंतिम और तीसरा भाग देखना ना भूलिएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या सेक्स सेफ है, आयुर्वेद क्या कहता है प्रेगनेंसी के बारे में, प्रेगनेंसी और उससे जुड़े कुछ मिथ, कैसे कपड़े आपको पहनना चाहिए और अंत में कुछ ध्यान रखने वाली योग्य बातों के बारे में आपको पता चलेगा। धन्यवाद।